अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, तो नाश्ते में मैंने जो है रायता पूरी बनाई थी, और बस ये है कि शाम को हमें दावत में जाना है। तो ये मैंने बच्चों के और अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लिए हैं। कज़न की मेरी है मेहंदी, हिमायूं मेहंदी, तो उसके लिए मैंने ये कपड़े प्रेस कर लिए हैं। ये सूट मैं एक से दो दफ़ा पहन चुकी हूँ। तो छोटी सी गैदरिंग थी, मतलब के कज़न्स वगैरह थे, करीबी लोग ही थे माइयों में, तो मैंने इसलिए ये सूट पहन लिया है कॉटन का। तो बस ये मैंने अपने बच्चों के कपड़े जो हैं प्रेस कर लिए थे। और ऐसा हो नहीं सकता, आप कहीं जाओ और अब आपने ड्यूटी नहीं करो। तो जैसे हम तीन देवरानी जिठानी हैं, तो हम तीनों को बारी बारी जो है वो खाना बनाना पड़ता है। आज जो है वो मेरी बारी थी, तो ये मैं मटर के चावल बना रही हूँ जाने से पहले। मुझे तैयार भी होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, फिर ख़ुद भी रेडी होना है, और साथ साथ ये चावल भी देखने हैं। तो यहाँ देखें, मैं हल्की सी जो ज्वेलरी वेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं हैवी नहीं करूँगी, क्योंकि वो समझ सकती हैं जिनके गोद वाले बच्चे हैं, वो फुल तैयार हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है हमारे मेरी गोद में रहेंगे। तो मैं ये एयररिंग्स मैंने निकाल तो लिए थे, फिर मैंने बाद में पहने नहीं थे, क्योंकि मुझे यही था कि अम्मा जो है वो पकड़ के घसीट लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कान में से जो है वो ब्लड आ जाए या उनके लग जाए। तो मैंने निकाले तो थे लेकिन मैंने पहने नहीं थे, टॉप्स ही पहने हुए थे मैंने। साथ साथ में यहाँ पे जो है चावल भी देख रही हूँ, गैस असल में इतनी स्लो है कि इसमें अभी तक बॉयल ही नहीं आया है। गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है ना, तो बस मैं ये बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। और चावलों को तो चाहिए भी ज़्यादा ताव होता है, मतलब कि ताव मतलब कि बहुत ज़्यादा गैस चाहिए होती है, इसका पानी को चेक करना होता है जल्दी। तो बस ये है कि इसमें देखें गैस कितनी कम आ रही है, इसमें बॉयल भी नहीं आया है। बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं जल्दी से इसको करके दम लगा दूँगी, फिर मैं रेडी होने जाऊँगी और रेडी बच्चों को भी करूँगी। तो बस देखें, यहाँ डायरेक्ट मैं हॉल में आ गई थी, इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे खाना भी देना था। तो मैं जब तैयार हुई तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो बस यहाँ देखें, मैं जैसे ही हॉल में एंटर हुई हूँ तो यहाँ पे जो है वो बरी दिखाई जा रही थी, मैं बरी देखने खड़ी हो गई। तो ये देखें, आप लोग भी देखें बरी, मेरी कज़न की, ये उनके सेट हैं, ये उनके ड्रेसेस हैं। ये गोल्ड का है, इनके कड़े वगैरह जो हैं ये गोल्ड के हैं, कड़े और सेट जो है गोल्ड का है, बाकी आर्टिफिशियल हैं। शरारे के साथ तो आर्टिफिशियल ही जाते हैं, गोल्ड तो कोई भी नहीं पहनता आजकल। और बाकी ये सूट हैं, ये शरारे हैं, ऊपर शादी का तो वही रेड है और वलीमे का आई थिंक ग्रे है। ये देखिए माशाल्लाह से, अभी मैं आप आगे चल के आपको दुल्हन भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा छोटी हैं, छोटी उम्र की हैं ये, जल्दी हो रही है इनकी शादी। तो मैंने अपने मामू से यही कहा था कि आप जो हैं वो जल्दी शादी कर रहे हैं बहुत छोटी उम्र में। बस ये लड़की का नसीब होता है, उसका लिखा है नसीब में, तो उसकी हो रही है, अच्छा है, बस खुश रहें अपने घर में। ये सारी इनकी बरी देखें, और ये आ गए हमारे मोहम्मद अम्मार। तो बच्चे जो हैं ये इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये मेरी भांजी हैं, मुझसे जो छोटी सिस्टर है ना, ये उनकी बेटी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नोटी हैं। तो इनकी फरमाइशें चल रही थी, इनकी जो फरमाइशें चल रही थी, मुझे बुंदा चाहिए, मुझे टीका चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मतलब ये तो फ्रॉक पहन कर आई थी, लेकिन इनकी फरमाइशें चल रही थी मैं ये भी पहनूँ, मैं वो भी पहनूँ, क्योंकि सब यहाँ माशाल्लाह जो है पहने हुए थे, ड्रेसअप हुए हुए थे, सारे शरारे गरारे पहने हुए थे, तो देख देख के इनको भी शौक हो रहा था। यहाँ देखेंगे दुल्हन की एंट्री हो रही है, ये सब कजन्स बहने हैं जिनको साथ लेकर आ रही हैं। बस इनकी सिस्टर वगैरह इनको लेकर आ रही हैं, फिर जो है वो रस्म स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में एंजॉय करते हैं,
तो ये देखें चॉकलेट खा रही हूँ, मुझे छेड़ रही थी कि आप मुझे चॉकलेट दे दो, तो ये चॉकलेट मुझे नहीं दे रही थी। अभी दुल्हन की थोड़ी सेटिंग चल रही है, बस ये दुल्हन फिर स्टेज पे जाएगी, फिर सबसे पहले जो है वो लड़के वाले जो हैं वो रस्म करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे, कज़न्स हो गई, पुप्पी, ताई, वो सब एक एक करके जो है वो दुल्हन की रस्म करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, तैयार भी बहुत अच्छी हुई थी, तो बस ये है कि अब इनकी जो है रस्म स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ देखें ये हैं मेरे मामू मोमानी, इनकी ये घर की पहली शादी है, माशाल्लाह पहली बेटी की इनकी शादी है। और यहाँ ये मेरी अम्मी हैं, मेरी खाला। अब इनका टर्न आ गया है, पहले जाहिर सी बातें पेरेंट्स करते हैं आपकी, और फिर उसके बाद जो है वो वन बाय वन सब करते चले जाते हैं। और यहाँ अब आ गई है हमारी बारी, तो हम लोग भी जो हैं रसम करने बैठ गए थे, बस अब यहाँ रसम होगी, फिर उसके बाद खाना लगेगा, फिर खाना खा के इन्होंने जो है वो छोटा सा फंक्शन भी रखा था, तो बस वो फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे। और खाने में है कीमा, नान और रायता पूरी और हलवा, कॉफ़ी। तो बस यहाँ देखेंगे फंक्शन भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।